Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Tiago. This is BS4 installed from somewhere else. We are not going to take the name of the dealer. इस गाड़ी के अंदर आज जो मैंने काम किया, जो मैं करता हूँ, एक तो डायनेमिक एडवांसर लगाया मैंने, एक गैस फिल्टर लगाया है, कूलेंट कनेक्शन किया, इनका थ्रॉटल बॉडी चेक किया मैंने, स्पार्क प्लग चेक किया, इनका निपल का MM चेक किया, इनका पूरा किट का कैलिब्रेशन किया, पूरा अपसेट था, और इनका डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग किया हूँ मैं। एक बार भैया से पूछ रहा हूँ मैं, पहले गाड़ी के अंदर क्या इशू था और अब गाड़ी कैसी चल रही है, जस्ट टू क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, तो पहले इस गाड़ी में था इशू, झटके लेना था फर्स्ट और सेकंड गियर में। इसके अलावा परफॉर्मेंस में इशू था, दबी हुई चलती थी गाड़ी। तो अभी ना सर ने अभी डायनेमिक पर एडवांसर लगाया, तो परफॉर्मेंस इज़ इम्प्रूव्ड वेरी मच, सो लाइक थैंक्स टू हिम। थैंक्स। मैं एक बार डेमोस्ट्रेशन दूंगा मैं कि मैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम किया हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। सो ऑल थिंग्स हैव बीन डन। इसके अंदर जो काम किया हूँ मैं, दिस इज टाटा टियागो BS4। मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, सबसे मेन काम जो मैं हर एक टाटा की गाड़ियों में लगाता हूँ, मैं सारी वायरिंग स्पायरल ट्यूबिंग में करके दिया मैंने। यह पूरी वायरिंग आपका स्पायरल ट्यूबिंग में ही सारा आया। और इसके अंदर मैं कूलेंट कनेक्शन करके दिया हूँ, टेम्परेचर सेंसर उठा के मैंने यहाँ लगाया, पहले पाइप में लगा हुआ था, अब यहाँ लगाया मैंने। इसके अंदर मैंने गैस फिल्टर लवेटो का लगा के दिया हूँ मैं, इसमें पहले कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ था। इनका थ्रॉटल बॉडी चेक किया हूँ मैं, इनका स्पार्क प्लग चेक किया हूँ मैं, एयर फिल्टर चेक किया, इनका निप्पल का MM चेक किया, इनकी पूरी किट की कैलिब्रेशन पूरा ख़त्म करके दोबारा से किया, डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग किया, एंड गाड़ी अल्टीमेट। इनको और मज़ा आएगा, जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना मज़ा आएगा। चलो, वी आर वेरी नियर टू एवरी वन हियर एट पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन। आई वेलकम एवरीवन। देखो, सबकी गाड़ी मैं सही नहीं कर सकता, हमारे कस्टमर्स भी होते हैं। आई ऑलवेज वेलकम एवरीवन, कम अर्ली इन द मॉर्निंग एट 10:30। आप अपनी गाड़ी ले आओ, गाड़ी हो जाएगी।